न्यूक्लियर बॉम्ब से बचने के लिए इस साइंटिस्ट ने अपने घर में जमीन के नीचे एक खुफिया जगह बनाई थी। जैसे ही वो नीचे जाते हैं, एक जोरदार विस्फोट होता है। साइंटिस्ट रेडिएशन से बचने के लिए तुरंत दरवाजा बंद कर देता है। टाइम लॉक की वजह से वो दरवाजा 35 साल बाद ही वापस खुलेगा। हालांकि वो विस्फोट केवल एक विमान के क्रैश होने से हुआ था। साइंटिस्ट की बीवी जल्द ही एक बच्चे को जन्म देती है जो अपने 35 साल जमीन के नीचे ही बिताएगा। लेकिन वहाँ सब चीजें मौजूद हैं, सभी तरह के उपकरण, एक सुपरमार्केट, पावर जनरेशन सिस्टम, मछली का तालाब और एक गार्डन भी। दुनिया से अलग होने के बावजूद बच्चे की अच्छी परवरिश होती है। उसको हर तरह का ज्ञान और कौशल मिलता है। समय बीत जाता है और आज उस बच्चे का 35वां जन्मदिन है और दरवाजा भी इसी दिन खुलेगा। माँ बहुत खुश है क्योंकि वो अब ऊपर जा सकते हैं। साइंटिस्ट प्रोटेक्टिव सूट पहनकर स्थिति की जांच करने ऊपर जाता है। 35 सालों में वो जगह एक अमीर सोसाइटी से झोपड़पट्टी में बदल गई है। वो जगह भिखारियों, वेश्याओं और गैंगस्टर से भरा हुआ है। साइंटिस्ट घबराकर वापस नीचे चला जाता है। वो सोचता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन के कारण लोग ऐसे हो गए हैं। ये सोचकर वो दोबारा 35 सालों के लिए दरवाजे को बंद करने का फैसला लेता है।